हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। डाल देना सूखने के लिए, धूप में आज डाल दो। तो अभी हम लोग उठ गए, कब का आज वॉक भी गए थे, एंड वॉक जाके हम लोग आ गए हैं। सब्जी भी ले आए हैं, ये देखो वो सब्जी रखा हुआ है यहाँ पे, अभी तक खाली नहीं किया। एंड आज मैं क्या बनाया पता आप लोगों को? आज मैं है ना, जो दूध का मलाई होता है ना, उसको जमा करते घी बनाने के लिए, तो मैंने वो घी बनाया। आज मम्मी नहीं है तो मुझे बनाना पड़ा, तो मैंने बना लिया, डाल दिया उस रब्बी में भी तो घी। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। मैं कढ़ी नहीं, मुझे बनाने आता है, मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बता दिया। आप पता नहीं देखो कैसा बनता नहीं बनता, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चाय वाय पी चुके हैं, काम भी झाड़ू वगैरह हो गया है, पोछा लगाना बाकी है, और शिल्पा भी कुछ कुछ काम कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और अभी घर का सफाई तो हो चुका है, मतलब पोछा लगाना बाकी है, कर रहे साथ साथ। और ये देखो पीछे बैग में क्या है ये। सो अभी चलते हैं, काम कर लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, देन मैं कढ़ी बनाऊंगी। फिर कढ़ी बना के इसलिए अभी रख दूंगी, तो कि बाद में हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं रहता ना, सो इसलिए अभी बना के रख दूंगी। सो चलो अभी कर लेते काम अपना खत्म, थक गए, सुबह वॉक जाके आए, इतना ज्यादा धूप था, इतना ज्यादा धूप था, हम लोग बहुत परेशान हुआ धूप से। सो चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे देखो ये सारे सब्जी जो है हमने लेके आए, देखो कितना ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स है, भिंडी है, करेला है, भोल है, बैंगन है, खीरा है, मिर्ची है, टमाटर है, पट्टल है, और इधर रहा ये हरा हरा धनिया पत्ता, अभी भी धनिया पत्ता रहा इधर, इस बार तो चमत्कार हो गया। और भिंडी अभी सारा सब्जी सिर्फ अभी धो के फ्रिज में डालेगी, पहले सुखाएगी थोड़ा सा फिर डालेगी। सो चलो अभी मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा, बाल्टी में पानी डाल लिया मैंने, कपड़े भी डाल लिए, अब जा रहे पोछा लगाने के लिए। घिसो हाँ, तो क्या हो गया? पापा है ना, पापा क्या बोलते डेली पोछा लगाने से, तुमने पक्का को ना घसते घसते उसको पतला कर देगा, इतना घसते है। और है ना गाइस, भूख लग गई, हम लोग सुबह सुबह वॉक पे जाते तो केला खाते हैं, बनाना लेके जाते खरीद के, 10 रुपया का 2 या 3 देता है, और हम दोनों जो है खा के आते हैं। बट फिर भी भूख लगी, अभी चाय बिस्किट खाएंगे थोड़ा सा, फिर जाऊंगी मैं नहाने, पोछा लगाने के बाद फिर पूजा करूंगी। तो ये रहा हमारा चाय, और साथ में ये क्या है, और ये रहा बिस्किट, और ये क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो अभी मैंने घी बनाया ना उसका ही वो क्या बोलेगा, जो मैंने घी बनाया उसका ही वो ऊपर का पार्ट होता है, दाढ़ी बोलते हैं हम लोग। और है ना शिल्पा इसको खा रही है, शिल्पा तुम्हारे शादी में ना बारिश होगा भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है सुना ना, ऐसा बोला जाता है कि मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत तीखा है, हाँ बहुत दिन का हो गया था ना, इसलिए कि ये खाने से है ना शादी में खूब बारिश आती, खूब बारिश आती। शिल्पा मेरे को शादी नहीं करनी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो कुवारा ही मरोगी। तो शिल्पा को शादी नहीं करनी, आप लोग देखना तो बताना, तो ये शादी करेगी नहीं करेगी बताना। तो यस गाइस, अरे रहना। सो अभी हम लोग ये खा रहे हैं और चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, फिर मैं जाऊंगी नहाने, पोछा थोड़ा सा लगा दिया, शिल्पा लगाएगी और फिर जा रही हूँ नहाने। से चलो अभी खा लेते चाय बिस्किट, भूख लग जाती एक्चुअली। सो हो गया, मैंने नहा लिया, अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, फाइनली मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो नहाना हो गया डन, नहाने के बाद फेस कितना चमकते रहता है, क्लीन लगते रहता है, एंड दिन भर के बाद में शाम को तो ऐसा लगता रहता है कितना ज़्यादा थक गया है। सो अभी फ्रेश फील हो रहा है, जा रहे नहाने के पूजा करने के लिए। सो चलो मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैंने पूजा भी कर लिया, एंड यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नाश्ता बन रहा है। तो भिंडी का यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ, सूखा भुजिया, सूखा सब्जी होता है भिंडी का वो, और खाने के लिए भी हम लोग कढ़ी बना लेंगे। कढ़ी मैंने बनाया नहीं, मैं बना ये, आप किसको किसको पसंद है प्लीज बताना आप लोग। और आटा यहाँ पे लग रहा है तो रोटी बनेगा, पहले भुजिया हम लोग खाएंगे, देन हम लोग सब्जी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, चावल भिगो के रख देंगे ताकि खाना का तैयारी आधा से ज्यादा हो जाए। हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, वे उठते ही हम लोग टाइम का कैलकुलेशन मिला लेते हैं, इतना से इतना देर में ये करना है, इतना से इतना देर में ये करना है, 1 घंटा ये करना है, 2 घंटा ये करना है, इतना से इतना तक में ये होगा। तो हो गया, अभी चलो फाइनली अभी बना लेते हैं, फिर पता तो इससे खाते हैं, भूख लगी है बहुत जरूर की। चलो मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी सब कुछ काम डन हो गया है, खाना वाना बन गया, और मैं है ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। सो मैंने कुछ मिंत्रा से टॉप जो है वो मंगाया है, और एक चमचूर भी मंगाया है। सो कैसा आया है, क्या है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो सबसे पहले ये दो टॉप है, ये दोनों टॉप जो सेम है, मतलब
डिजाइन सेम है, बस कलर डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी एक्चुअली में कैसा है और मतलब कैसा था और कैसा आया है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मेरे और शिल्पा के दोनों के लिए मंगाया क्योंकि हम दोनों को साथ में वीडियो बनाना है। सो इसलिए अभी चलो पहन के दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है नहीं है, फिर आपको जब शूट भी दिखाएंगे और भी कुछ दिखाएंगे। सो चलो मिलते हैं आपसे। देखो पहला जो है ये टॉप है एंड ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा, इसका कुछ डिजाइन जो इस टाइप का है एंड ये क्रिस क्रॉस देख रहे हो और इसका बैक का डिजाइन देखो कुछ इस टाइप का है। ये देखो ये इस तरीके से नॉट करने वाला बैक, मतलब आगे से इसका जो है कुछ इस टाइप का है और इन दोनों को पीछे ले जाके जो है ये क्रिस क्रॉस करके जो है इसको नॉट करना है। सो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका पिंक कलर शिल्पा पहनेगी, शिल्पा को पिंक कलर ज्यादा पसंद है एंड ब्लू कलर मैं पहनूंगी। सो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसलिए मैं जैसे आप लोग कैसे दिखा रही हूँ। सो ये देखो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सो प्लीज आप लोग बताना। और कल जो है ना सेलिब्रेशन वाले में है ना ये और बाबूरी जो है ये दोनों ही टॉप पहना था, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा रही हूँ कल ही आया था। सो चलो अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो है ना ये टॉप जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो है इसमें ये बटन डाला हुआ है और ये नॉट करने के लिए जो है मैंने ऐसे ले लिया इसको। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि अगर आप लोग लो तो मतलब आप लोग इजिली पहन पाओ। और इसको ये बैग ऐसे लेके जाना है, मेरा बाल आ रहा है और फिर इसको इस तरीके से लेके आना है एंड देन फिर यहाँ पे जो है क्रिस क्रॉस करना है, फिर इसको बैग ले जाके फिर इसको नॉट करना है। तो अभी नॉट जो है वो शिल्पा करेगी क्योंकि मुझसे नहीं होगा। सो गाइस क्या बताऊँ, ये देखो सेकेंड दिस वन, वो भी सेम डिजाइन का मैंने बोला आप लोग को। और इसके साथ मैंने ये व्हाइट कलर का जीन्स पहना, आप लोग बताना तो थोड़ा सा कमेंट करके कैसा लगा। गर्ल्स प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और ये देखो ये जीन्स जो है मैंने इसके साथ पहना कि देखते हैं मैचिंग होता, लेकिन ये परफेक्ट मैचिंग हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका भी बैक का डिजाइन कुछ ऐसा ही है, ये देखो आप लोग और आप लोग बताना तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है। मतलब ये टॉप मुझे हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब थोड़ा सा यूनिक है, ऐसा कभी पहना नहीं है। और ये जो इसमें ये नॉट दिया और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आपको कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने है ना मेकअप पहले कर लिया था क्योंकि हम लोग को जाना भी, वीडियो बनाना है, मुझे घर पर भी बनाना, सो इसलिए आप लोग बता दो थोड़ा सा जच रही हूँ मैं, नहीं जच रही हूँ। चलो अभी मैं आप लोग को कुछ और दिखाती हूँ। तो ये दोनों टॉप था जो कि मिंत्रा से, चलो मिलते हैं। तो है ना मतलब वो दोनों टॉप तो मिंत्रा से मंगाया था और ये जो उस दिन मैं विशाल गई थी ना, तो विशाल से ये मैं टी शर्ट लेके आई थी, मतलब जस्ट ₹200। सिंपल सा नॉर्मल सा टी शर्ट है जो डेली वेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, कलर इसका बहुत अच्छा लगा ना, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब गर्मी में चुभेगा नहीं वैसा कपड़ा है। और एक और टॉप है वो मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखो आप लोग बताना तो अच्छा लगा नहीं। और जीन्स मैंने ये पहन के रखा है क्योंकि अभी चेंज कौन करेगा, तो चलो देखो। तो है ना सेकेंड ये था, ये टॉप जो है मैंने मिंत्रा से ही मंगाया है ₹200 में। तो ये टी शर्ट है ना मतलब जैसे ऐसे पहनने के लिए चाहिए था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो ये कुछ देखो नेक में जो पूरा राउंड है चिपका हुआ, ज़्यादा गर्मी में पहन नहीं सकता क्योंकि नेक पे चिपका हुआ ज़्यादा गर्मी रहता है। एंड ये ऐसा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कलर जो है लेवेंडर, लाइट लेवेंडर कलर है, ठीक ठाक लग रहा है, चलो हो जाएगा ओके। सो चलो अभी मैं आप लोग को कुछ और दिखाती हूँ, आप लोग सोचोगे क्या क्या दिखा दिया। सो ये है मेरा न्यू जंप सूट। तो ये देखो कुछ ऐसा डिजाइन का है, ये देखो आगे का कुछ, हाँ आगे का। तो ये ऐसा है, ये जंप सूट भी मैंने मिंत्रा से मंगाया है और इसका अमाउंट मैं भूल चुकी हूँ। तो ये देखो आप लोग बताना अभी मैं पहन को आप लोग को, ये 800 कितना में था शायद। तो हम तो है ना इसके नीचे पहनने के लिए तो कुछ है नहीं, तो खरीदना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल है मेरे पास कुछ, तो वो मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी सही कैसा लग रहा है। सो चलो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये जंप सूट जो है मैंने पहन लिया है और इसके नीचे मैंने ये व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना है, मतलब इसके नीचे पहनने के लिए मतलब खरीदना पड़ेगा मुझे। एक तो इसे जस्ट नॉर्मल पहन लिया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस ये थोड़ा सा हल्का सा ढीला है, इसको मुझे थोड़ा सा फिट कराना पड़ेगा, तो वो मैं करा लूँगी। लेकिन मतलब जितना अमाउंट का था उसे अमाउंट बहुत अच्छा कपड़ा आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो बैक से कुछ ऐसा डिजाइन है इस टाइप का एंड हमारे पास ऐसा जंप सूट नहीं था, सो पहली बार ऐसा मंगाया। सो आप लोग बताना तो कमेंट करके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं गई थी रील बनाने यहीं पे घर के पास हमारे, तो मैंने आज ये पहना, ये आप लोग देख चुके हैं और ये पहना मैंने। सो ये आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और फाइनली रील तो बन गई है, अभी 1:30 बज गया, पहले भूख लगी है तो खा लेते हैं चेंज वेंज करके, देन देखते हैं रेडी होएंगे फिर जाएंगे बाहर आप लोग। सो चलो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो चलो मिलते हैं।
शिल्पा एक्साइटेड, मैं आप लोगों को बताऊंगी हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं काजीरंगा गोल्फ रिजॉर्ट। बहुत दिनों से सोच रहे थे, हम लोग का प्लानिंग हो रहा था बट टल रहा था, फाइनली आज हम लोग आ गए। तो हम अब मैं अभी आप लोग का यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, यहाँ का क्या नज़ारा, क्या पीसफुल जगह है शिल्पा, कितना सुकून है। सो चलो अभी थोड़ा हम लोग स्कूटी को साइड में कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ओ गाइस, हम लोग कहाँ आए हैं काजीरंगा गोल्फ रिजॉर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरा ड्रेस देखो एंड इसका ड्रेस देखो एंड शिल्पा का ड्रेस मैं दिखाऊंगी बाद में। सो फिलहाल शिल्पा अभी हम लोग का शूट कर रही है, तो आप लोग बताओ तो हम लोग का ड्रेस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट करके भी बताना आप लोग। सो मैं अभी आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ। आओ यहाँ पे है ना, इसका क्योंकि इसका नाम गोल्फ रिसोर्ट है तो यहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए बनाया गया है। गोल्फ खेलते हैं यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा मतलब टी गार्डन्स के अंदर में बनाया हुआ है ये, और बहुत अंदर है एक्चुअली। मैं आप लोग को पूरा लोकेशन जो है बताऊँगी डिटेल में। फिलहाल अभी ये देखो यहाँ का इधर का व्यू देखो, ये पूरा देखिए टी गार्डन्स ये पूरा इधर बहुत ही। और अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा रुकेंगे, बैठेंगे, कुछ कुछ फुसेंगे, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे एंट्री टिकट जो है 700 पर पर्सन पे विथ बुफे मिलेगा आपको एक्चुअली में, मतलब जो लंच होता है वो मिलेगा, तो इतना कोई बात नहीं है। तो हम लोग ने ले लिया है, तो चलो अभी चलते हैं अंदर की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं धीरे धीरे डिटेल में सब कुछ बताते हैं। अभी तो फिर बहुत टाइम है एंड मेरा बैग का डिज़ाइन देखो और बैग। सो ये देखो बाहर का यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। एंड यहाँ पे है ना, पहले एक बड़ा पूल था और यहाँ पे एक छोटा पूल था, लेकिन ये दोनों को फिल कर दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई। सो ये देखो अभी धूप है काफ़ी ज़्यादा, सो हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है भोजन। हाय गाइस, सो आज नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे हो चुकी है एंड फाइनली चेन्नई जो है आईपीएल जीत चुकी है एंड इस बात का बहुत ज्यादा खुशी है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सीएसके फैंस एंड सीएसके टीम्स, जो कि सीएसके टीम जो कि मतलब इतना एफर्ट के साथ खेला और इतना एफर्ट के साथ जीता मैच को। लास्ट बॉल दो बॉल का जो कहानी था ना, मतलब क्या ही बोलूँ, एक ओवर का जो कहानी था पूरा, सर रविंद्र जडेजा ने पूरा स्टोरी बदल दिया। आई सैल्यूट हिम एंड माही आवर धोनी आवर थाला, आई सैल्यूट हिम। मैं क्या बोलूँ, मैं धोनी, हम लोग धोनी के लिए पूरा पागल है। एंड धोनी ने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर का आईपीएल जो है वो खेलेगा। सो फाइनली अभी से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर की आईपीएल हम लोग देखने जाएं। पता नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है वो तो देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग डिसाइड कर लिया।
एंड फाइनली धोनी खेल रहा है, तो इस बात का खुशी है कि चलो धोनी वापस खेलेगा और वापस धोनी को देखने को मिलेगा, धोनी देखने को मिलेंगे मतलब। और आप लोग बताना आप लोग सीएसके के लिए हैप्पी हो या नहीं हो, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। सो फाइनली और आप भी सोने के लिए आ गए एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि मैंने तो आगे कुछ शूट ही नहीं किया। सो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का यहीं पे कर लूँ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा मोटा जो भी है। काजीरंगा गोल्फ रिसोर्ट गए थे तो वो बताना आप लोग कमेंट करके कि वो कैसा है, नहीं है मतलब एक्चुअली वो हम लोग के जोरहाट से जो है करीब 25 किलोमीटर के आसपास है। और हम लोग ने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि हम लोग जाए वहाँ पे, तो फिर भी चले गए। हम लोग का कुछ भी प्लानिंग नहीं रहता, बट उसी दिन मतलब डिसाइड होता है फिर हम लोग चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग को आप लोग को पता है कि हम लोग को रील्स बनाना होता है, वीडियो बनाना होता है, तो एक कोई नया प्लेस ढूंढना रहता है घर पे कितना बनाए, तो इसलिए। और वो जो प्लेस है काजीरंगा गोल्फ रिजॉर्ट, वो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ से इतना दूर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीसफुल जगह है, बट धूप था उस दिन और खाना हम लोग को खाली ढंग का नहीं मिला वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सैड हो गए थे। बट रील्स वगैरह जो है थोड़ा ठीक ठाक बन गया। सो अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब दिखाएंगे वापस आप लोग को। और अब हम लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए भी बनाया गया जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। एंड शिल्पा भी सो रही है, मैं भी सोऊंगी, और टाइम हो गया एक्चुअली 11 बजने वाला है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का यहीं पर कर लूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पार्ट इसमें अच्छा लगा हो एटलीस्ट धोनी के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही मेरे कुछ कुछ वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को इम्प्रेस कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।